नमस्कार। पिछले दिनों जब एक पत्रकार ने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिवपुरी में सवाल किया कि आज की राजनीति को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उनका जवाब था, मैं कौन होता हूँ संदेश देने के लिए। देखिए, मैं अपने पोजीशन को अच्छी तरह से समझता हूँ जी, और मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को संदेश देने के लिए जी। मुझे अपना जीवन अपने असूलों और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जीना है जी। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको उदाहरण देने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि क्या करना है। मुझे अपना जीवन जीना है, बाकी लोगों को। शिवपुरी में उनकी इस टिप्पणी को उनकी हताशा समझा जाए या रणनीति, इसका जवाब तलाशने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में झांकना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 15 वर्षों से जमी हुई शिवराज नीत भाजपा सरकार को अपदस्थ करने में सबसे अधिक श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके धुआंधार और आक्रामक चुनाव प्रचार ने ग्वालियर अंचल में एक प्रकार से भाजपा की हालत ऐसी कर दी मानो किसी अट्टालिका पर बुलडोजर चलाकर खंडहर बना दिया गया हो। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद थमा दिया श्री कमलनाथ को। सिंधिया जी आहत तो हुए, लेकिन राहुल और प्रियंका ने अपने निजी संबंधों के आधार पर उन्हें ढांढस बंधा दिया। फिर चर्चा चली प्रदेश अध्यक्ष की, किंतु यह झुंझुना भी कब मिलेगा भी या नहीं, इसका कोई अता पता फिलहाल नहीं है। लोकसभा चुनाव में पराजय की कसक ने सिंधिया जी को एकदम हतप्रभहीन कर दिया था, लेकिन पराजय तो दिग्विजय सिंह की भी हुई है। इसके बावजूद राजा साहब की भरपूर चल रही है, किंतु महाराजा को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। तो आखिर सब्र कब तक रख पाते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? गुस्सा फूटा तो पहले दौरे में अपने आप को एकदम साधारण जन बताने वाले सिंधिया जी के तेवर अगले ही दौरे में एकदम बदल गए और घोषणा पत्र के वायदों के बहाने कमलनाथ सरकार को सीधे चुनौती दे डाली। बोले, अगर घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं हुए तो मैं भी जनता के साथ सड़कों पर उतरूं। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी, और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। कमलनाथ ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दे डाला, उतर जाए सड़कों पर। घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए नहीं। अब राजसी ठसक इस ईंट का जवाब पत्थर मार का जवाब को किस प्रकार लेगी, यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन कयास तो लगने को ठहरे ही। आमजन के बीच चर्चा सरगर्म है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अरविंद केजरीवाल के साथी बन सकते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपनी पार्टी में अपने विरोधियों की नज़र उतारने के लिए आपकी झाड़ू उठा सकते हैं। पंजाब का तो कह नहीं सकते, किंतु अगर मध्य प्रदेश में यह कयास सही निकला तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही परेशानी में आ सकते हैं। कारण साफ है कि ना तो कांग्रेस हरदिल अजीज है और भाजपा में भी अंदर खाने गदर मचा हुआ है। दोनों ही दलों के असंतुष्टों को सिंधिया के रूप में एक तारणहार दिखाई दे सकता है। ग्वालियर अंचल में तो सहानुभूति की लहर पर सवार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्लीन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन क्या वे शेष प्रदेश में भी कोई करिश्मा कर पाएंगे? यह सवाल बेढब है। पहले तो ये देखना होगा कि क्या सिंधिया जी के साथ सरकार गिराने लायक विधायक हैं भी या नहीं। अगर सरकार गिरी और मध्यावधि चुनाव हुए
तभी इस कयास का कोई औचित्य है, अन्यथा तो यही माना जाना चाहिए कि ज्योतिरादित्य जी महज आगामी राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनने की खातिर ही हाथ पैर मार रहे हैं। इन तिलों में तेल नहीं है, यह जानकर ही कमलनाथ उन्हें दो टूक ठेंगे पर मार रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, उतर जाएं सड़क पर। खैर, मेरा मानना तो यही है कि ज्योतिरादित्य जी में दमखम अभी बाकी है। वे कमलनाथ जी की चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और यही उनकी वंश परंपरा को शोभा भी देगा। अब वे आप में जाते हैं या नहीं, ये अगले एकाध महीने में साफ हो जाएगा। अगर गए और मध्यावती हुए तो निश्चित जानिए कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी, ज्योतिरादित्य जी की उसमें अहम भूमिका होगी। कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो जाएगा, उसके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की तरफ झुक जाएगा। वैसे भी आम कांग्रेसी भी अब अपने पुश्तैनी नेतृत्व की अक्षमता को जानने समझने लगे हैं। पुराने कांग्रेसी गुरफाने आजम ने तो पिछले साल खुलेआम कह दिया था कि हम पप्पू के चमचे होने का उलाहना सुन सुनकर ऊब चुके हैं, बख्शो हमें भाई। और मजा यह है कि उसके बाद भी गुरफाने आजम के घर खुद दिग्विजय सिंह मनाने पहुँचे थे। भले ही कांग्रेस दिल्ली के समान 4% पर ना पहुँचे, किंतु सिंधिया की बगावत उसके लिए एक बड़ा झटका होगी। शायद कांग्रेस इसे रोक पाने में कामयाब हो जाए और सिंधिया जी राज्यसभा में पहुंचकर अपनी हनक बचाए रखें। फिलहाल तो बेचारों को अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में भी राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ आना पड़ता है, ताकि आमजन को पहले की तरह कलेक्टर SP उनकी आवभगत में लगी दिखाई दे। इसे ही कहते हैं राजसी राजनीति। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसे राजसी बगावत से ग्वालियर अंचल में नुकसान हो सकता है, लेकिन शेष मध्य प्रदेश में वोटों के विभाजन का लाभ भी मिलेगा। नमस्कार।